साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। भाई आज अपन बात करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, दो वीडियो बनाए थे, गवर्नमेंट की पॉलिसी मैंने बताई किस तरह से निकाला जाएगा, गवर्नमेंट ने क्या क्या उपाय किए हैं। सेकंड वीडियो मैंने दोपहर को डाला था, उसमें आपको बताया था कि कितना आपका पैसा लगेगा, किस तरह से आना होगा, किस किस कैटेगरी का कितना पैसा लगेगा, कौन लोग फ्री में आएंगे। इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको साथियों कि आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म एक भरना है, सिंपल सा है, कोई हार्ड नहीं, आप आराम से भर सकते हैं। इंग्लिश में है, उसको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी का ट्रांसलेशन करके उसमें आप आराम से भर सकते हैं। छोटा सा है, दिल्ली अबू धाबी एम्बेसी के द्वारा ये जारी किया गया है, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे, आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं, ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको उसको पूरी अपने बायोडाटा भर के नीचे एक ऑप्शन आता सबमिट का, उसको सबमिट करोगे तो ऑटोमेटिक वो वहां की उस साइड पर लोड हो जाएगा, अबू धाबी एम्बेसी इंडियन एम्बेसी की साइड पर लोड हो जाएगा, जिससे गवर्नमेंट को आसानी होगी आप लोगों को समझने के लिए कि भाई कौन सी कैटेगरी के आप हो, कब आप आना चाहते हो, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कोई मतलब जो भी आपकी समस्या है वो सब उसमें सबमिट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट के पास एक डेटा चले जाता है, उससे उनको अंदाजा हो जाता है भाई दुबई यूएई से इतने बंदे आने वाले हैं, इस स्टेट के हैं, इस कैटेगरी के हैं, तो आपको आसानी गवर्नमेंट आसान हो जाती है थोड़ा रिकवर करने में। इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी बता दूँ, आपको फॉरम साथ में स्क्रीनशॉट आपको यहाँ भी डाल दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा। देखिए लिखा एम्बेसी ऑफ इंडिया अबू धाबी, ठीक है साथियों, डेटाबेस ऑन इंडियन टू ट्रेवल बैक टू इंडिया अंडर कोविड-19, ये इसमें लिखा हुआ है। इसमें एक देखिए फॉरम आ रहा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट करके दिखाऊंगा, एक फॉरम आ रहा है, उसमें सिंपल सा है, नाम दिखाना है आपका, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपकी पुरुष महिलाएं हैं, पासपोर्ट नंबर डालना है, रीज़न आपको बताना है कि भाई आप इंडिया क्यों जाना चाहते हो, ठीक है साथियों, कंपनी रीज़न और फॉर ट्रेवलिंग बैक टू इंडिया, प्रोफेशन बताना है कि आप दुबई में क्या काम करते थे, ये बात इसमें लिखा है प्रोफेशन। आगे इसमें लिखा है इंडियन स्टेट, यानी इंडिया में आपका कौन सा स्टेट है, ताकि गवर्नमेंट आपको उस स्टेट के हिसाब से रिकवर करेगी। आगे लिखा है होम सिटी इन इंडिया, आपकी होम सिटी कौन सी है इंडिया में, जैसे राजस्थान में आपका जयपुर है तो आप जयपुर लिख सकते हो। फुल एड्रेस इंडिया का फुल एड्रेस आपको इसमें भरना है, ताकि गवर्नमेंट को आसानी हो जाए। आगे देखिए साथियों, इसमें लिखा है मोबाइल नंबर यूएई का आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप जरूर डालिए, और साथ में नीचे इंडिया का भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डालना है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मैसेज आने में, कॉन्टैक्ट करने में गवर्नमेंट की हेल्प होगी इसमें। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। आपका वीजा कौन सा कैटेगरी का है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वीजा जो आपका है वही डालना है। आप ये सोच रहे हो कि अपन फ्री वाली टिकट में चले जाएंगे तो दूसरा डाल दें, सब डॉक्यूमेंट चेक होंगे आपके, जो इस फुल फॉर्म करोगे वो डॉक्यूमेंट चेक होंगे आपको रिकवर करने से पहले, तो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल इसमें जानकारी भरनी है, झूठी आईडी भर जाओ भरी जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी भाई, पासपोर्ट भी आपका चेक होगा, ठीक है साथियों। आगे इसमें देखिए मैं बता दूं, टाइप ऑफ वीज़ा, वीज़ा आपका विजिट है, वर्क परमिट है, बिजनेस वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा है, कौन सा वीज़ा है वो आपको डालना है। नियरेस्ट आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नियरेस्ट जैसे राजस्थान से हैं तो आपका जयपुर हो गया, दिल्ली से हैं तो दिल्ली हो गया, वैसे आपका जो भी स्टेट है आपका अपना नियरेस्ट जो आपके पास में जो एयरपोर्ट है वो आपको इसमें भरना है। स्टेट ऑफ कोविड टेस्ट, यानी स्टेटस ऑफ कोविड टेस्ट, अगर आपने टेस्ट करवा रखा है तो उसमें आपको डिटेल डालनी है कि हाँ जी मैं निगेटिव हूँ पॉजिटिव, वो भी उसमें मांग रखा है। रिमार्क भी करना है आपको, आपकी कोई पहचान है तो वो उसमें रिमार्क कर दीजिए। वेरिफिकेशन कोड है इसमें, जैसे ये पूरा एड्रेस हो जाता है तो इसमें ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन कोड, देखिए नीचे लिखा रेड अक्षर के ऊपर थोड़ा सा लिखा होगा आर रिक्वायर्ड, ये इसमें आप ये इसको ऐसे की ऐसे कॉपी करके इस खाने में आपको डाल देनी है, नीचे आपका फिर ऑप्शन आ जाएगा सबमिट, जैसे आप सबमिट करोगे तो ऑटोमेटिक ये फॉर्म आपका इंडियन एम्बेसी के पास चला जाएगा। सिंपल सा प्रपोन में है, कोई हार्ड नहीं है, नॉर्मल सी है, फिर भी आपको भरना नहीं आता तो आपके पड़ोस के आपके लॉकडाउन है भाई, सब के सब बैठे हैं, दो मिनट का काम है, कोई भी भर देगा। फॉर्म भरने के बाद में इसमें देखिए कंडीशन में बता दूं, 14 दिन आपको इंडिया में होम आइसोलेट किया जाएगा। होम तो आपका घर होता है, लेकिन इंडिया में जहाँ गवर्नमेंट ने आपकी व्यवस्था की है क्वारंटाइन आपको किया जाएगा, ये आप माइंड में बिठा लें। 14 दिन तो आपके वो हो गए, ठीक है साथियों। उसके बाद में कम से कम 10 दिन और पकड़ लीजिए, आप 25 दिन से पहले घर नहीं पहुंचेंगे, ये मैं बता रहा हूं मेरी तरफ से, गवर्नमेंट ने भी आदेश दिया है 14 दिन का, तो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है साफ साफ, सऊदी वाला जो फॉरम है उसमें तो साफ साफ नीचे लिखा हुआ है, इसमें लिखा नहीं अलग बात है। बाकी 14 दिन आपको उसमें बाकायदा कंडीशन ये है, जैसा आपको गवर्नमेंट आपको जो भी अधिकारी जो भी आपको एरोप्लेन हवाई जहाज़ वगैरह या फिर जहाज़ वगैरह लेने के लिए जाएंगे उनका आपको कहना मानना, जैसा वो बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। टेस्ट करवाना है, क्या क्या प्रोसेस है वो पूरी शर्तें
इसमें शामिल है, ठीक है। 14 दिन आपको गवर्नमेंट जहाँ रोकेगी आपको रुकना पड़ेगा, और घर आते आते भाई 25 दिन तो मैं बता रहा हूँ, मेरी 14 दिन तो गवर्नमेंट दे रही है, बाकी ये नहीं कि 14 दिन आज हुए रात दूसरे दिन घर पहुँच गए, ऐसा नहीं होता। इंडिया में लोग 28 दिन क्वारंटाइन करके या होमलेस लेट जिनको डाला 28 30 दिन से घर पहुँचे, तो आप भी देख लीजिए उस हिसाब से आपका भी। तो ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि जिनको इमरजेंसी नहीं है कि भाई चलो हम, तो वो थोड़ा बाद में देख लें, आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। बाकी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको फोरम के डिटेल के बता दी, इस तरह से आपको प्रोसेस रहेगा आने का। बाकायदा भाई इंडिया में लॉकडाउन ओपन नहीं होने वाला, ये फाइनल बात हो गई। लॉकडाउन थोड़ा ही होगा जिसमें कुछ थोड़ा सा काम हो चुके 20%, इतना ही होगा, बाकी वो खुल्लम खुल्ला वाला सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है साथियों। इंक्वायरी थी वो दे दी, जैसे ही और गवर्नमेंट का अगर नया अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो लाइक करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको अपडेट सही मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।